सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो बिग बॉस की अभी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, रणवीर सोर्द हैज बीन इवैक्टेड फ्रॉम बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बिग बॉस ने रणवीर सोर्द को बाहर कर दिया है। जैसे पहले चल रहा था कि अरमान मलिक या क्लब कटारिया, अभी चल रहा था नेजी या रणवीर सोर्द। तो बिग बॉस ने बोला रणवीर सोर्द गेट आउट, नेजी इज द विनर। विनर। और देखते हैं पांचवें नंबर पर कौन था। पांचवें नंबर पर थे साई केतन, चौथे नंबर पर कृतिका मलिक, तीसरे नंबर पर रणवीर सोर्द, जिस इन तीनों को निकाल दिया गया है। बिग बॉस टॉप 2 में जो बच्चे हुए हैं वो है सना मकबूल और नेजी, जो कि इसके लायक थे ही नहीं, जो डिजर्व करते थे उन लोगों को इन लोगों ने पहले ही निकाल दिया। जहां तक कि रणवीर सोर्द भी चलो थोड़ा बहुत अच्छा ही खेल रहे थे, बट उनको भी बिग बॉस ने बाय बाय बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर वाला बना दिया। पैसा बर्बाद बहन चोद। और रणवीर भाई ने पहले भी बता रखा था कि उन पर कोई काम नहीं मिला था, वो इसलिए वो इस शो में आए थे। ये चेक कीजिए आप। बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया सर? एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं, आई थिंक इनके जो विले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। सो इस साल भी कॉल किया तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था, ऊपर से मेरे पास काम नहीं है। आपने ये बाहर मेरे पास काम नहीं है, लेकिन सर आप अभी बाहर जाइए। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे सारे बगीचे वाले बोल रहे हैं माली यही चाहिए। अरे वाह, क्या बात बोली है, माली को बुला दो। बट यार मनावर भाई, एक चीज है, जब माली खुद अपना गार्डन साफ ना कर पा रहा तो दूसरों के गार्डन को तो क्या ही साफ करेगा। और माली तुमने किस दिन में बोल दिया, वो जनता समझ चुकी है अच्छी तरीके से कि माली पर जब अपना ही गार्डन साफ ना हो रहा तो दूसरों का घंटा करेगा। सुबह जाइए, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चक्कर के लिए राधे राधे।